हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से आपके जो फॉर्म है वो लगातार वेरीफाई हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि संडे के दिन फॉर्म वेरीफाई नहीं होते हैं, सो निश्चित रूप से आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। संडे के दिन फॉर्म वेरीफाई होने वाले स्टूडेंट्स के जो स्टेटस है वो आपके सामने स्क्रीन पर आने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर ऐसा सोचते भी हैं कि संडे के दिन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई नहीं होते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे, ये जो स्टूडेंट्स हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं, बैचलर ऑफ साइंस वन ईयर, यानी कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और इनका जो फॉर्म है वो 14 फरवरी, डेट देख सकते होंगे आप यहाँ पर, 14 फरवरी 2021 को 10:48 पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से वेरीफाई किया गया है। अब आप कैलेंडर में देख लीजिए 14 फरवरी को कौन सा दिन था, निश्चित रूप से संडे था। चलिए अगला स्टेटस आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये अभी दो दिन पुराना ही स्टेटस है, ठीक है। ये 28 फरवरी को, यानी कि दो दिन पहले ही वेरीफाई किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से। तो आप देख सकते होंगे इनका फॉर्म भी यहाँ पर संडे को ही वेरीफाई किया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए आपके जो फॉर्म है वो लगातार वेरीफाई हो रहे हैं, किसी भी दिन प्रोसेस रुक नहीं रही है, लगातार फॉर्म वेरीफाई हो रहे हैं। आप देख लीजिए संडे को भी फॉर्म वेरीफाई किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, फिलहाल प्रोसेसिंग चल रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट जो है वो लगातार लाते रहते हैं। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुए उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपके जो फॉर्म है वो अब आप दोबारा से कॉलेज से फॉरवर्ड करा सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड होने के लिए रह गए। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से संडे को ही रिजेक्ट किया गया है। आप देख सकते होंगे इनके मार्क्स में सस्पेक्शन था, जिस वजह से इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया। आपका फॉर्म भी बहुत जल्दी या तो रिजेक्ट हो सकता है या फिर वेरीफाई हो सकता है। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।